दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म और पॉलिटिक्स का गहरा नाता है, इसलिए तो कई बड़े बड़े अभिनेता अब तक राजनीति में अपना हाथ आजमा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमेशा फेल ही साबित हुए, लेकिन कुछ फिल्मी अभिनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ फिल्में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी जमकर नाम कमाया। ऐसे ही एक अभिनेता है शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं? यानी सोनाक्षी के मम्मी और पापा दोनों ने ही राजनीति में बहुत नाम कमाया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। उनके पास इतनी संपत्ति है कि सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में जितना नाम कमाया उतना ही नाम राजनीति में आकर भी कमाया। जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है तब से वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे, लेकिन 2019 में चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 2019 में पटना साहिब सीट से शिव शंकर प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव के समय चुनाव आयोग के दिए हलफनामे के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा के पास कुल 112 करोड़ की संपत्ति है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी लखनऊ से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के टिकट पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। पूनम के नाम पर पति से ज्यादा संपत्ति है। पूनम 193 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। शत्रुघ्न सिन्हा के पास देहरादून, पुणे और मुंबई में 26 करोड़ रुपए की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि मुंबई, पुणे और पटना में करीब 63 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग भी है। इसके अलावा शॉटगन के पास दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और पुणे में 10 आवासीय बिल्डिंग है। इनकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर रामायण में रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी यानी कि सोनाक्षी की मम्मी पूनम सिन्हा ने भी साल 2019 में चुनाव लड़ा था। जहां शत्रुघ्न ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो वहीं पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और पूनम सिन्हा के पास शत्रुघ्न सिन्हा से ज्यादा संपत्ति है। चुनाव में दिए शपथ पत्र के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा के पास जो सोने, चांदी और कीमती स्टोन्स हैं उनकी कीमत करीब 1,03,00,000 रुपए है, जबकि उनकी पत्नी पूनम सिन्हा के पास करीब 1,15,00,000 रुपए के गहने हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के पास एक एम्बेसडर, 2 कैमरी, एक फॉर्चूनर, इनोवा, मारुति सियाज और स्कॉर्पियो समेत कुल 7 कारें हैं, जिनकी कीमत 14,80,00,000 रुपए है, जबकि इनकी पत्नी के पास 2013 की मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत 48,20,000 रुपए है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।